गुरुजी सभी संगत जी को, आप सबका गुरुजी ब्लेसिंग्स चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। जैसा हमारे गुरुजी का कहना है कि सत्संग सुनना व सुनाना दोनों ही कल्याण का माध्यम है, तो हमारे चैनल गुरुजी ब्लेसिंग्स के माध्यम से आप भी अपना सत्संग सुनाने की सेवा कर सकते हैं। आप अपना सत्संग ऑडियो रिकॉर्ड करके या सामने दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर लिखित तौर पे भी भेज सकते हैं। सत्संग सुनाकर आप अन्य संगत जी का भी भला करते हैं, क्योंकि कई सवालों के जवाब हमें सत्संग के द्वारा मिल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए सुनते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना सुखराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के हुक्म से आज मैं उनके दरबार में बैठी हूँ और मेरे गुरु जी का हुक्म है मैं अपना सुखराना सत्संग शेयर करूँ, और मेरी वाणी पे वो मेरा साथ देंगे। जो मैं कहूंगी वो उनके अल्फाज होंगे। कृपा आपका हुक्म हो तो मैं अपना सुखराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जो आपने मुझे ब्लेस किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे दातिया, सभी साथ संगत जी को मेरा शुक्राना। अगर सत्संग शेयर करते मुझसे कोई गलती हो जाए मुझे माफ कर दीजिएगा। शुक्राना साथ संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने बेटे को लेकर शेयर कर रही हूँ। गुरु पा ने मुझे बेटे की दात बख्शी। जब मैं गुरु पाजी हमेशा मैं उन्हें हमेशा शिव रूप में हमेशा मानती हूँ। जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ उससे पहले से ही उन्होंने मुझे बचपन से ही ब्लेस किया हुआ है, तो बचपन से ही मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो उन्होंने मुझे बेटे की दात बख्शी। मेरे उससे पहले दो बेटियां थी, उसके बाद मेरा मन नहीं था कि मैं कोई और बच्चा लूँ। घर में से मेरी मदर इन लॉ का और आस पास से सभी का प्रेशर कभी एक चांस और ले ले। हालांकि मुझे दो बेटियों पर ही ये हो गया था, कोई बात नहीं, जहाँ परमात्मा जहाँ हमें देता है वो हमें बहुत कुछ देता है। तो उसके बाद सभी के कहने पर मैंने एक चांस और लिया कि चलो अब मुझसे 7-8 साल बाद मेरे बेटे का, तो परमात्मा, मेरा अटल विश्वास मेरे महाशिव पर था, बहुत विश्वास था मेरा, बहुत दृढ़ विश्वास मेरे दातार पर। तो मेरे दातार ने वो दात मुझे हमेशा, जब फिर सभी का जैसे वो जर्नी थी उसके बीच में, 9 महीने की जर्नी में से मैं आपको एक दो पल आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बीच की पहली जर्नी जब मेरा स्टार्टिंग मंथ मेरे को स्टार्टेड हुए, तो मैं जहाँ काम करती थी मैंने वहां पे रिलीफ ले लिया, मैंने वहां पे जाना छोड़ दिया, मैं अपने घर पे रहने लगी। मेरा स्वभाव में ऐसे परिवर्तन आए और मंदिर में हमेशा जाती थी। 100 वार के व्रत मैंने रखे, 1600 वार के व्रत रखे मेरे महादेव जी के। हमेशा डेली का रूटीन में अपना जल अभिषेक किया करती थी माँ शिव जी का। तो और उसके बीच में मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे कहा भी आप मेडिसिन ले लो, इतने साल बाद चलो भी बेटे की बीच लेडीज जो देती हैं पुत्र होने की मेडिसिन भी उससे बेटा ही होगा। पर मेरा विश्वास नहीं था उस चीज के बीच में, हमें भेजा गया यहाँ से भी आप वहां से मेडिसिन लेकर आओ। तो मैंने महाशिव जी के आगे, महाशिव जी के आगे, गुरुपाद के आगे अरदास करी कि मुझे दातार आप पे भरोसा है, मेरा मार्गदर्शन आप करें, मेरे दातार आप मेरे साथ चलें, मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी, मुझे पता है भी आप मेरे साथ हो तो आप मेरी लाज जरूर रखोगे। तो मुझे इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, पूरे पूरे शहर में इतना पानी हो गया, हम स्टेशन तक बहुत मुश्किल से गए। फिर हम स्टेशन तक गए, वहां से जाकर हमारा स्टेशन पर हस्बैंड ने मेरे टिकट ले लिया था जर्नल डब्बे का, और हालांकि टिकट बैठे थे हम दूसरे में जहाँ बुकिंग वाली होती है, तो वहां पे भी बैठे बैठे वो चेक कर आ गए हैं टिकट चेक करने के लिए, तो मेरे हस्बैंड उनसे हैंडल नहीं कर पाए। तो मैंने गुरुपाद जी के आगे अरदास की, दातिया मैं तो पहले ही नहीं जाना चाहती थी, तो ये क्या हो रहा है, अब आप ही इस मौके को संभालें। तो फिर वहां पे मैंने अरदास करके उनसे बात की भी हम अनजाने में बैठ गए, हमें ज्यादा दूर तो जाना नहीं है, चलो माफ कर दीजिए अगर हमसे जो गलती हुई है। उन्होंने वो चीज वहीं पे छोड़ दी, कहते हैं आप वहां पे उतर जाइएगा,
अपना डब्बा चेंज कर लीजिएगा। तो इतने में कहकर गुरुपा जी ने वहां से हमें रिलीफ दिलाई। नेक्स्ट हम जहाँ हमें मेडिसिन लेने जाना था, वो कोई दरगाह थी जो पीरों की बनी होती है। हम वहां गए तो पहले हम जी किसी के घर पर गए, वहां पे माँ शिव जी का स्वरूप स्वरूप लगा था। तो मैंने उनके आगे अरदास करी, हे पिता, मैं आप ही के आश्रय यहाँ तक आ गई, पर मैं कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहती, कि मुझे पता है आप मेरे साथ हो तो सब कुछ है मेरे पास। वहां से दरगाह में गए जहाँ जो पीरों की वो बनी होती है। कुदरती जो मेडिसिन देते हैं वो उस दिन थे ही नहीं वहां पर। हम घंटे से 2 घंटा वहां पर बैठकर उड़ीक कर कर आ गए, हमें वहां से मेडिसिन नहीं मिली। और वहां जहाँ हम गए भी, वहां पे भी माँ शिव का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने वहां पर भी बैठ कर शिव, मैंने पिता के आगे यही अरदास करी कि दादार, आप तो यहाँ पर भी हो, तो जब आप हर जगह हो तो मुझे किसी मेडिसिन पर कोई विश्वास नहीं है, आप हमेशा मेरे अंग संग हो। तो मेरे आप जब मुझे इतना बता रहे हो मेरे दादा, तो यहाँ से मुझे कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, मुझे आप दांत बख्शोगे। तो ऐसे ही वो जर्नी थी छोटी सी। अब वहां से बिना दवाई लिए आ गए घर पर, तो उसमें मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैंने मेरे पिता पर अटूट विश्वास रखा। और यही अटूट विश्वास ने मेरे जीत दिलाई, मुझे 9 महीने बाद पुत्र दात बख्शी। तो आज मेरा शुक्राना सत्संग उसी चीज को लेकर है। और फिर उसके बाद 9 महीने बाद मेरा पुत्र हुआ। तो मैंने गुरुपा को उसी क्षण बहुत बहुत शुक्राना, मैं हर क्षण उनका शुक्राना करती हूँ। आज वो 6 साल का हो गया है, तो हमेशा मैं शुक्राना यही करती हूँ। और हमेशा मैं यही कहती हूँ, जीता जागता परिणाम है मेरे महादेव जी का, वो सच्चाई है। और सत्संग जी, विश्वास की बात तो ये है, जो और उन्होंने मेरा विश्वास दृढ़ करा, उसका नाम निकला। जब उसका नाम निकला, तो जब उसका नाम निकलवाने के लिए गए, तो उसका अक्षर नाम निकला महादेव जी के शिव नाम से ही, उसका एस नाम से, उसका एस अक्षर से उसका नाम निकला। तो सभी ने सोचा क्या नाम रखे, क्या नाम रखे, है ना। तो मेरे को तो पता ही था, जब महादेव शिव जी के नाम से उनका अक्षर आया है तो ऐसा ही कोई नाम। तो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो उन्होंने सजेशन किया भी उसका, उन्होंने पढ़ते ही इसे कहा, उनके फर्स्ट बोल यही निकले, सत्यम शिवम सुंदरम। जब अक्षर ये बोला गया तो उनके मन से उच्चारण हुआ सत्यम शिवम सुंदरम। तो उसी लफ्ज से मैंने उसमें से नाम निकाला, उन्होंने नाम बोला सत्यम, तो हमने उसका नाम सत्यम रख दिया। तो वाकई में गुरुपा वो सच्चाई है, सत्यम वो मेरे गुरु पा की जीती जागती सच्चाई है। मैं हमेशा यही चीज सबको बोलती हूँ कि ये शिव जी का वंश है, उन्होंने ही मुझे दिया है, अंश उन्हीं का है, शिव रूप का अंश है, सुंदर है रूप उसने इतना दिया दातार ने, कि वाकई में वो सच्चाई कहते हैं ना, बहुत खूबसूरत होती है। तो ऐसा ही खूबसूरत है उनका बेटा, मेरा बेटा नहीं कहूंगी ना, क्योंकि मेरे शिव जी का उनकी दात है, तो उन्हीं का बेटा है। उन्होंने मुझे बेटे में उसको ब्लेस किया सत्यम, यानी कि एक सच्चाई मुझे उन्होंने ब्लेस की, और उसका नाम भी उन्होंने सत्यम रखा, और उन्होंने रूप भी उसे वो सच्चाई वाला ही बख्शा। जागती वो सभी को एकदम से अट्रैक्टिव करता है। तो मेरे गुरुपा जैसे मुझे पुत्र की दात बख्शी, जिनको नहीं है उन्हें भी आप ये दात बख्शेगा एक सत्संग से। मैं सबके लिए यही ब्लेसिंग चाहती हूँ दातिया, सबको जैसे आपने मुझे पुत्र की दात बख्शी, जिनके पास नहीं है उन्हें भी ये दात बख्शी, ऐसा ही सच्चाई वाला सत्यम शिवम सुंदरम दे उन्हें भी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, नंतम नंतम शुक्राना मेरे दातिया, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो मेरी सत्संग शेयर करेंगे आंटी जी, उनका भी शुक्राना, उन पे भी रहमत बख्शना मेरे दातिया, उनके भी घर परिवार में रहमत बख्शना मेरे दातिया, सरबत का भला कहना मेरे गुरुपा, सभी साथ संगत जी पर अपनी ऐसे ही मेहर बनाए रखना मेरे गुरुपा, सभी को जैसे सभी को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ।
अपना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम नंतम शुक्राना विदात्या। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।